सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग कॉइनस्विच के अंदर अपना पैसा कैसे ऐड कर सकते हैं अपने बैंक से अपने अकाउंट के अंदर। अगर आपका पैसा बार बार फिल्ड हो रहा है तो उसके लिए भी आपको बताएंगे कि आपको उस जिस समय में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ये मेरा कॉइनस्विच का डाटा है और यहाँ पर मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप लोग भी अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को दुगना तिगना 10 गुना बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे उसी के लिए भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पर आप पैसा ऐड कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए वॉलेट बैलेंस का, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपको ये मेन ये जो चित्रकारी का दिख रहा है, ठीक है, प्रोफाइल वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद देखिए, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा नीचे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अपनी केवाईसी वाईसी सारी चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वॉलेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए हमने कितने सारे विड्रॉल इसके अंदर रिसीव किए हैं जो अपने बैंक के अंदर, देखिए 2200 रुपये का, 9000 रुपये का, 10000 रुपये का, 12000 रुपये का, 58000 रुपये का, ये मैंने अपने अकाउंट के अंदर विड्रॉल किया। और ये जो इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो जो पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप मुझे ऐड करना है तो पैसे ऐड करने के लिए ऐड मनी पे क्लिक करना होगा। जैसे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें 500 रुपये ऐड करने हैं तो 500 रुपये क्लिक करेंगे, और इसको 1500 करना, 2000 करना है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है मिनिमम 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं पे पे, और यहाँ पर देखिए बोल रहा है UPI के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं और RTGS के जरिए कर सकते हैं। अब UPI और RTGS क्या होता है इसके भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है, इसके लिए बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर आप UPI से करते हैं तो UPI पे क्लिक करके यहाँ पर आपके जो भी UPI ID हो उस UPI ID को आप यहाँ पर इंटर करके आप लोग अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका UPI ID ध्यान रहे कि उसी अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट UPI ID नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम आज़ाद है तो आज़ाद नाम से ही आपको पेमेंट यहाँ पर आनी चाहिए, और दूसरे अकाउंट से आती है तो यहाँ पर आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका पेमेंट डिसलाइन होगा, ठीक है, और इसी वजह से आप लोग पेमेंट हो सकता है ऐड नहीं कर पा रहे हो, आपको पेमेंट उसी अकाउंट से भेजनी होगी जिस अकाउंट को आपने यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर आप RTGS से पेमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए इसके ऊपर निफ्ट हो गया, RTGS हो गया, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए ये इनका अकाउंट नंबर है, ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा HDFC का बैंक है, फिलहाल आपका कोई सा भी बैंक हो सकता है, जो भी आप अकाउंट आप इसके अंदर ऐड करेंगे उसी के बैंक के बारे में आपको बता देगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए मैं HDFC बैंक को ओन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, और ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा, बैंक अकाउंट पे क्लिक करिए, जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर है उस सामने वाले व्यक्ति का उसका ले सकते हैं, या फिर ऐड पे में आप बैंक अकाउंट कोई भी दूसरे तीसरे पर्सन का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपना पर्सन पे जो पेटीएम है उनका ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद यहाँ पर अपना एक न्यू क्रेडिट बैंक अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मर्चेंट का है तो मर्चेंट डाल सकते हैं, और किसी अदर का है तो अदर, यहाँ पर अपना मर्चेंट नेम, ईमेल ID, सॉरी जो भी है सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, ये आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप ऐड पे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐड पे में इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल कन्फर्म कर देना है, उसके बाद 30 मिनट आपको रुकना है, 30 मिनट रुकने के बाद आपको बैंक डिटेल डाल के कन्फर्म करके ब्रांच अनाउंस सब चीज़ डाल के आप उसके बाद नेक्स्ट अपना पेमेंट डाल के आप यहाँ पर अपना पेमेंट सेंड मनी से भेज पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसका ऑलरेडी बना रखा है इसलिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैंने इन लोगों का जो अकाउंट है वो पहले से ही मैंने बना रखा है, जो कि यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर निफ्ट करना चाहते हैं, RTGS करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ करके आप और सामने वाले का अकाउंट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप बना पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।